ये करीब शाम में 8:30 से 9:30 बजे के बीच विभूतिकंठ थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है, वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है, इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है, इनके साथ एक साथी थे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लखनऊ में अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हैं और पुलिस को चुनौती देते नजर आते हैं। ताजा मामला बुधवार का है, जब राजधानी के एक पॉश इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी कर हड़कंप मचा दिया गया, जहां बेखौफ बदमाशों ने मऊ जिले के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अजीत बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। दिल दहला देने वाली यह वारदात लखनऊ के विभूति खंड की है, जहां बदमाशों ने गोलीबारी करके पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दरअसल बदमाशों ने अपना निशाना मऊ की एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति और मुख्तार के करीबी माने जाने वाले अजीत सिंह को बनाया है। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में अजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया, जबकि वहां से गुजर रहा एक राहगीर भी इस गोलीबारी की चपेट में आ गया। उसका नाम आकाश बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है। अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात को गैंगवार के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस मौके वारदात और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर का कहना है कि करीब 8:30 बजे विभूतिखंड थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें अजीत सिंह की मौत हुई है। अजीत सिंह के ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि एक मामले में उसे गवाही देनी थी, लेकिन उसके पहले ही उसकी हत्या हो गई। ये करीब शाम में 8:30 से 9:30 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है, वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है, इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके, मोहर सिंह, उनको गोली लगी, लेकिन खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं, और शायद इन्होंने भी बदले में गोली चलाई थी, किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या एक्जेक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल, लेकिन 25-30 जरूर राउंड का है। जो बोर मिले 0.329 mm का बोर मिला है सर। गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते विधायक मंडल के जवान? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे सर? मृतक कहाँ रहते थे सर? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बताने बात करने लायक हो जाए, फिर आपको सारा डिटेल बता। सर, हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ सीसीटीवी वगैरह में? 3 हमलावर थे, पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह बताया 3 ही थे, और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर, अभी कितनी टीम लगाई मुकदमे में? जो है बताया जा रहा है कि गवाह बात है जिसके कारण गोली गोली मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर, अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल अपराधी? अभी देखिए, जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे, और हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। थैंक यू। बता दें कि योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ और NCR में आने वाले नोएडा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया था। इन दोनों शहरों को अलग अलग जोन में बांटकर DCP बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं।